जो कर्मा हीलिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में, जिस तरह से हम बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा डीप है। ये जो कोर्स है कर्मा हीलिंग का, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको ये बताऊं कि ये कोर्स कैसे बना। तो जब एक कर्मा हीलिंग जो कोर्स ये हमारा शुरू होगा, उसमें सबसे पहले आप यही समझेंगे कि हमारे वैदिक रीति में जो वैदिक रूल्स हैं कर्मा के, वो क्या हैं, और ये जो कर्मा है वो किस तरह से आपको अफेक्ट करता है, या कर्मा किस तरह से आपकी लाइफ को बांध देता है। कभी कभी जैसे आपको लगता है मेरे पता नहीं कौन से खराब कर्म रहे होंगे जो मेरे को पैसा नहीं आता, मेरे रिश्ते नहीं चलते, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, या मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, तो पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ये कर्मा हीलिंग वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद आप ये सोचना ही छोड़ देंगे। बिकॉज जब आप किसी चीज से सफर कर रहे होते हैं लाइफ में, एक्चुअली आप अपना कर्मा ही रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए सफर करना कोई दुख की बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वो कर्मा आपका खत्म नहीं होगा, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस कोर्स की है, वो ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी हीलिंग हम करेंगे, वो थीटा हीलिंग के थ्रू करेंगे। तो इसमें हम सेवन प्लेन से कनेक्ट होकर ही कर्मा को रिलीज करेंगे। उसका रीजन ये है कि जो सेवन प्लेन से हीलिंग होती है, उसमें सबसे पहले कर्मा रिजॉल्व कर सकते हैं आप कोई और दूसरी हीलिंग मॉडेलिटी में जाएंगे, उसमें बहुत टाइम लगता है, हमको रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन थीटा हीलिंग में क्या होता है कि आप इंस्टेंटली उस कर्मा को चेंज कर सकते हो आपकी अवेयरनेस के साथ। वो क्यों पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है कि जो सारे थीटा के स्टूडेंट हैं, उन सबको पता है, जब अर्थ की आप ग्रेविटी से बाहर चले जाते, तब आपके लिए टाइम, स्पेस और कर्मा का फंडा जीरो हो जाता है। तो जब तक आप अर्थ पे हैं, आपका कार्मिक रहेगा। जैसे ही आप अर्थ की ग्रेविटी के, उसका जो अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो ऑरा है, उसके बाहर जाते ही आप जब वहां से हीलिंग करते हैं सेवन प्लेन से, तो आपका कर्मा का इफेक्ट खत्म हो जाता है। आप प्योर विजडम के साथ हीलिंग करते हैं कि आपने अगर ये आज कर्मा चूज किया है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि कर्मा चूज करने वाला और कोई नहीं होता, आप होते हैं। तो उसका रिग्रेट क्यों करना है, राइट? उसका रिग्रेट हमको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने चूज किया है और हमको इसी के थ्रू नॉलेज मिलनी है, इसी के थ्रू हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले कर्मा का जो सबसे सिंपल डेफिनेशन, जो सबसे सिंपल बात जो मैं बोल सकती हूँ, कर्मा इज एक्शन। आप क्या करते हैं वही आपका कर्मा है। आप अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, आप अपने बच्चे को मारते हैं, या अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपका भी कर्मा है और आपके बच्चे का भी कर्मा है कि आपको वो बच्चा मिला और उस बच्चे को आप जैसे पेरेंट्स मिले, करेक्ट?